इस वीडियो को समझने से पहले आपको एंट्रोपी को समझना होगा। एंट्रोपी का मतलब होता है ऑर्डरलेसनेस। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो यूनिवर्स में हर जगह पाया जाता है। चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें एनर्जी लगानी होती है, वरना वो अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, हेल्दी रहने के लिए आपको एक्सरसाइज करना होगा और अच्छी डाइट लेनी होगी। अनहेल्दी होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। अमीर बनने के लिए आपको मेहनत करनी होगी। गरीब बनने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। साफ रहने के लिए आपको डेली नहाना होगा। 4 दिन मत नहाइए, गंदे आप अपने आप हो जाओगे। एक कंट्री को ऑर्डर में चलाने के लिए गवर्नमेंट, कोर्ट्स और पुलिस को डेली काम करना होगा। अगर वो ऐसा ना करेंगे तो कंट्री ऑटोमेटिकली आउट ऑफ ऑर्डर हो जाएगी। आप चाहे दुनिया की किसी भी चीज या किसी भी एस्पेक्ट को ले लो, उस चीज को उसके उसी फॉर्म में मेंटेन करके रखने के लिए आपको उस पर कुछ काम हमेशा करते रहना होगा, वरना वो चीज खराब हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका आपसे क्या लेना देना। हमें यूजुअली हमारे कंफर्ट जोन में रहने की हैबिट होती है। हम डेली वही सारे काम करते हैं, उन्हीं लोगों से मिलते हैं, उसी स्मार्टफोन को यूज करते हैं और सेम खाना खाते हैं। आप जरा सोचिए कि इस साल आपने कौन सा ऐसा नया काम करने की कोशिश की जो आपने पिछले साल नहीं की थी। कंफर्ट जोन में रहना कंफर्टेबल तो होता है, लेकिन आपको यह पता है कि इसमें ग्रोथ नहीं होती। सिर्फ यही नहीं, क्योंकि कंफर्ट जोन में रहने में बिल्कुल एनर्जी नहीं लगती, आपका कंफर्ट जोन भी एंट्रोपी का शिकार होकर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता रहता है। मतलब अगर आप रोज कुछ नया काम नहीं करोगे तो आपका कंफर्ट जोन भी छोटा होता जाएगा। आपने जो स्किल्स सीखी थी उसे भी आप भूलते जाओगे, पड़ी हुई चीजें आपके दिमाग से उतर जाएंगी। अगर आप इंट्रोवर्ट हो और कुछ ज्यादा ही कंफर्ट जोन में रहने लगते हो तो आप धीरे धीरे 8 लोगों से बात करने के बजाय 3 लोगों से बात करने लगोगे और फिर किसी से भी बात नहीं करोगे। इस तरह से एनर्जी ना लगाने की वजह से आप धीरे धीरे और खराब होते चले जाओगे। आपका कंफर्ट जोन इस हद तक छोटा हो जाएगा कि आपको रेगुलर काम करने में भी प्रॉब्लम आने लगेगी। रेस्टोरेंट में वेटर से बात करके अपना खाना ऑर्डर करने में भी आपको शायनेस फील होगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की स्ट्रेटेजी जानने से पहले आप ये जानिए कि आखिर हम नेचुरली कंफर्ट जोन में रहना क्यों चाहते हैं। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट इसे समझने में हमारी हेल्प कर सकते हैं। अब से 10,000 साल पहले जब हम जंगल में रहा करते थे तो कंफर्ट जोन हमारे सर्वाइवल का राज था। अगर हम अपनी गुफा में रहें जो नदी के करीब है तो हम सेफ रहेंगे। हमें खाने के लिए मछलियां और पीने के लिए साफ पानी मिलता रहेगा। हम रोज सेम जगह पर जाकर खाने की तलाश करते थे और बस खाना लेकर वापस चले आते थे। हमें इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। इतना करने से हमारी जिंदगी प्रॉपरली फंक्शन करती थी। प्रॉब्लम यह है कि इसी मेंटालिटी को आज हम मॉडर्न सोसाइटी में लेकर चले आए हैं। आप ये मत सोचो कि आप उन आदिवासियों से काफी एडवांस हो गए हो इसलिए आप ये बातें यहाँ पर अप्लाई नहीं होती। उन आदिवासियों के स्कल्स हमारे जितने ही बड़े थे, उनका डीएनए आज के ही इंसानों के डीएनए जैसा है। अगर हम टाइम मशीन बनाकर 10,000 साल पहले पीछे जाएं और वहां से एक छोटे बच्चे को इस जमाने में लेकर आएं, बड़ा करें, तो वो भी इंस्टाग्राम और लैपटॉप यूज करना उतनी ही आसानी से सीख लेगा जितनी आसानी से आपने सीखा है। इजी वर्ड्स में, उनकी साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी एक जैसी ही है। इसी कारण से हम आज भी अपने कंफर्ट जोन में रहने की कोशिश करते रहते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर जाना का मतलब खुद को पेन, डिस्कम्फर्ट और डेंजर से एक्सपोज करना है। आप नए लोगों से बात करने में एंशियस हो जाते हो और इसलिए अकेले ही रहना आप पसंद करते हो। कंफर्ट जोन से बाहर डेंजर जोन नहीं आता, इसके ठीक बाहर आता है ग्रोथ जोन या गोल्डीलॉक्स जोन आता है। गोल्डीलॉक्स जोन से बाहर जाने पर डेंजर जोन आता है। आइए इन सारे जोन्स को समझते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन में ही ग्रोथ पॉसिबल हो पाती। इमेजिन कीजिए, आप एक 5 साल के बच्चे के साथ टेनिस खेल रहे हो। आप हर गेम में उससे जीत जाओगे और फिर आपका खेलने का मन नहीं करेगा, आप बोर हो जाओगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप सानिया मिर्जा के अगेंस्ट टेनिस खेल रहे हो। इसमें आप हर बार हार जाओगे और फिर से आपका खेलने का मन नहीं करेगा, आप फिर से बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप अपने दोस्त के साथ टेनिस खेल रहे हो जो आपसे थोड़ा सा बेटर है, तो आप उसे हराने के लिए मेहनत करना चाहोगे। इसी को गोल्डीलॉक्स रूल कहा जाता है। ग्रोथ हासिल करने के लिए आपको ना तो बिल्कुल इजी मोड में ऑपरेट करना है और ना ही हार्डेस्ट मोड में। आपको अपनी काबिलियत से 10% ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पर ऑपरेट करना है। टाइम के साथ आपका कंफर्ट जोन 10% एक्सपैंड कर जाएगा। इसके बाद आपको फिर से डिफिकल्टी को 10% इंक्रीज करना है और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है। एक्सरसाइज करते वक्त आप पहले ही दिन 100 किलो का वेट उठाने की कोशिश मत करो। ये डेंजर जोन है और इसमें आपकी कमर टूट जाएगी, फिर आप खुद को भी उठाने लायक नहीं रहोगे और फिर 3 महीने के लिए आपको कंफर्ट जोन में ही रहना होगा। आप थोड़े वेट से स्टार्ट करो और धीरे धीरे उसे बढ़ाते रहो। कंफर्ट जोन से निकलने के 3 स्ट्रेटेजीज हैं। नंबर 1, कंसिस्टेंसी। आप जो भी कर रहे हो उसे और ज्यादा कंसिस्टेंटली करो। अगर आप हफ्ते में 3 दिन एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप 4 दिन करो और फिर 5 दिन करने लग जाओ। अगर आप 1 महीने में किसी नए बंदे से बात कर रहे हो तो आप हर हफ्ते किसी से बात करने की कोशिश करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। आप भले ही बाकी 2 को इग्नोर कर दो, लेकिन अगर आप इसे इग्नोर कर दोगे तो आप कभी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाओगे। सो कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगली स्ट्रेटेजी है इंटेंसिटी। इसका मतलब होता है डिफिकल्टी के लेवल को बढ़ाना। अगर आप 10 किलो वेट लिफ्ट कर रहे हो तब आप 12 किलो लिफ्ट करो। अगर आप इजी इंग्लिश में लिखी बुक्स पढ़ रहे हो तो आप थोड़ी डिफिकल्ट इंग्लिश को पढ़ो और नए वर्ड्स के मीनिंग को जानो।
नंबर 3 है ड्यूरेशन। इसका मतलब है एक रिपीटेशन को लंबे टाइम तक करना। अगर आप सिर्फ 15 मिनट तक एक्सरसाइज करते थे तो अब 20 मिनट तक करो। अगर आप 1 किलोमीटर रनिंग करते थे तो अब 2 किलोमीटर करो। इन तीनों चीजों को एक साथ मत बढ़ाओ, वरना आप कंफर्ट जोन से निकलकर डेंजर जोन में पहुंच जाओगे। अगर आप हफ्ते में 3 दिन 1 किलोमीटर रनिंग करते हो, वो भी 30 मिनट में, तो तुरंत ही मोटिवेटेड होकर हफ्ते में 5 दिन 2 किलोमीटर 15 मिनट में कवर करने की कोशिश मत करो। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप हफ्ते में 6 दिन 10 मिनट गिटार प्रैक्टिस करो, लेकिन हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे प्रैक्टिस मत करो। भले ही दोनों केसेस में आपने 1 घंटे प्रैक्टिस की है, लेकिन डेली 10 मिनट प्रैक्टिस करने से आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। आप कंफर्ट से उतना ही बाहर जाइए जितने पर आप उसे मेंटेन कर सको, वरना आप जल्द ही हार कर वापस कंफर्ट जोन में आ जाओगे। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, प्रॉब्लम यह है कि फेल होने के बाद आपका सेकंड टाइम ट्राई करने का मन नहीं करेगा। आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। आपके दिमाग में यह बात बैठ जाएगी कि जब मुझे हर बार ट्राई करके हारना ही है तो मैं ट्राई ही क्यों करूं। और इस तरह से आप धीरे धीरे कंफर्ट जोन में ही समा जाओगे। गोल्डिलॉक्स जोन की खास बात यह है कि यह फीडबैक लूप प्रोवाइड करता है। जब आप 10% बेटर होने का गोल सेट करते हो तो 10% बेटर हो जाते हो, तो इससे आपका बिलीफ स्ट्रांग होता है। ये छोटी सी सक्सेस आपको मोटिवेट करती है। फिर जब आप 10% और मेहनत करके थोड़े और सक्सेस को अचीव करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। इस तरह से ये पॉजिटिव साइकिल चलती रहती है और टाइम के साथ आप बेटर होते ही चले जाते हो। तो आप हर रोज कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करो। आप या तो अपने करंट स्किल्स को और बेटर बना सकते हो या फिर कुछ न्यू स्किल्स पर काम करना शुरू कर सकते हो। फिर से गोल्डिलॉक्स रूल को याद रखिए और उतना ही खाना मुंह में डालिए जितना आप चबा सको। हर रोज कुछ नया ट्राई करने का मतलब ये नहीं है कि आप उल्टी सीधे चीजें ट्राई करो जिनसे कोई फायदा नहीं। कुछ प्रोडक्टिव चीजों की लिस्ट बनाइए जो आपकी हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप या मेंटल फिटनेस को इम्प्रूव कर सके। फिर उस लिस्ट में किसी एक चीज को उठाओ और उस स्किल को कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी और ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करते जाओ। जब आप उसमें मास्टरी अचीव कर लो तो आप दूसरी स्किल को उठाओ और उसे डेवलप करो। अगर आप साल में सिर्फ एक न्यू हैबिट भी डेवलप करोगे तो अब से 20 साल बाद आपके पास 20 न्यू हैबिट्स होंगी। लेट्स से इनमें से 5 हैबिट्स ऐसी हैं जो आपको ज्यादा पैसे कमा कर दे सके, 5 ऐसी हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव कर सके, जैसे टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट और इमोशनल इंटेलिजेंस। 5 हैबिट्स ऐसी हैं जो आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करें और 5 ऐसी जो आपकी रिलेशनशिप को इम्प्रूव करें। तो इतनी हैबिट्स आपको गॉड बनाने के लिए काफी हैं। गॉड बनने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप में सुपर नेचुरल पावर्स आ जाएंगे। बाय डेफिनेशन गॉड एक ऐसी एंटिटी है जो हर वो काम कर सकते हैं जो वो करना चाहते हैं। इसके हिसाब से अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी है, आपके पास खूब सारे पैसे हैं और आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी है, तो दुनिया में ऐसा कोई लॉजिकल काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा ऐसा लॉजिकल काम है जो आप इन 4 चीजों की हेल्प से नहीं कर सकते हो। मजे की बात यह है कि इतना पावरफुल और स्ट्रांग बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। आपको साल में सिर्फ एक न्यू हैबिट को डेवलप करना है। जैसे कि हमने पहले कहा, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक काम को 30 मिनट तक 20 साल तक करते रहना उसी काम को 16 घंटे 1 साल करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से आप थोड़े से एफर्ट में अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ सकते हो और खुद को इम्प्रूव कर सकते हो। ये वीडियो अगर आप अभी तक देख रहे हो तो इस वीडियो की बातें अफर्म करने के लिए कमेंट करिए यस आई विल। मेरी टीम आपके लिए इतनी हेल्पफुल वीडियोस लेकर आ रही है तो एक लाइक तो बनता है। ये बुक ऐप डाउनलोड कर लो, वहां बिना किसी एड्स के आप बस डेली एक बुक समरी सुन लो। ये भी आपकी नॉलेज बढ़ाने की बहुत अच्छी हैबिट होगी। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी वंटी नहीं दबाई तो दबा देना। फाइनली यू गाइज आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।